जामतारा रेलवे स्टेशन परिसर में चलाया गया यात्री जागरूकता अभियान। पूर्व रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त आसनसोल के आदेशानुसार सोमवार को जामताड़ा रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक प्रभारी श्री एस वर्धन एवं उप निरीक्षक मदन पासवान के नेतृत्व में संयुक्त रूप से यात्री जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान गाड़ी के महिला बोगी एवं प्लेटफॉर्म में चलाया गया और यात्रियों से अनुरोध किया गया कि बिना कारण गाड़ी की जंजीर ना खींचे। अगर बिना कारण गाड़ी की जंजीर खींचा गया तो 1 साल की सख्त जेल जाने की सजा है। उन्होंने यात्रियों से अपील किया कि किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन में ट्रेनों एवं रेलवे को टारगेट ना बनाएं। रेलवे सभी के लिए एक अच्छा यात्रा का साधन है एवं सभी की संपत्ति है, इसको बचाना सबका कर्तव्य है। चलती ट्रेन में पत्थर ना फेंके, ट्रेन की पटरी पार ना करें जिससे दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने बताया कि महिला डब्बा में पुरुष सफर ना करें, सफर के दौरान पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही पॉकेट मार व नशा खुराने गिरोह से बचने का सुझाव व तरीका के बारे में लोगों को जानकारी दी एवं स्टेशन परिसर को साफ एवं स्वच्छ रखें। किसी प्रकार की महिलाएं एवं बच्चों यात्रियों को असुविधा हो तो RPF सहायता नंबर 182 डायल करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जाए। मौके पर जामताड़ा रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे।